भारत बनाम बांग्लादेश के बीच बेहद ही रोमांचक पहला T20 मुकाबला ग्वालियर शहर में खेला गया। नीतीश रेड्डी, मयंक यादव का हुआ डेब्यू, चक्रवर्ती छाए। दोस्तों, टॉस जीतकर भारत पहले गेंदबाजी चुना। बांग्लादेश की टीम 19.5 ओवर में 127 रन पर ढेर हो गई। मेहदी हसन मिराज 35 रन की सर्वाधिक पारी खेली। इस मुकाबले में भारत की ओर से अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती 3-3 विकेट लिए। कुंफू पांड्या, डेब्यू गेंदबाज मयंक यादव, वाशिंगटन सुंदर 1-1 विकेट हासिल किए। दोस्तों, 128 रन के जवाब में भारत तगड़ी शुरुआत की। भारत के दोनों सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन दो ओवर में 25 रन ठोक दिए। अभिषेक शर्मा 16 रन बनाकर आउट हुए। संजू सैमसन ओपनर के तौर पर आए थे, 19 गेंद का सामना करके 29 रन की पारी खेली। कप्तान सूर्या के बल्ले से 29 रन की पारी आई। हार्दिक पांड्या के बल्ले से विनिंग छक्का निकला। भारत 59 गेंद शेष रहते यह मुकाबला जीत लिया। डेब्यू खिलाड़ी नीतीश रेड्डी 16 रन की पारी खेली। भारत सीरीज में 1-0 से आगे हो चुकी है। दूसरा T20 मुकाबला 9 अक्टूबर को खेला जाएगा। दोस्तों, मैच हाइलाइट्स और सभी प्रकार के क्रिकेट न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली नेक्स्ट न्यूज़ में। जय हिंद।